मेंटल एटीट्यूड शुड बी हैप्टीट्यूड। हैप्टीट्यूड मतलब खुश रहो, कुछ भी हो जो आता है वो जाता है, कुछ भी जो आता है वो जाता है, इसलिए सोचो भावनाओं से इमोशनली भावनात्मक रूप में खुश रहो। तो दुनिया का मालिक नहीं है, हम दुनिया के मालिक नहीं है, हम सबको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आई कांट चेंज एवरीथिंग, सबको मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए खुश रहो ना। क्यों चिंतित होते हो? बी हैप्पी, दैट गिव्स यू, वो आपके लिए जीवन के लिए एक नया दिशा देता है। नेक्स्ट, स्लीप वेल, अच्छे नींद आना चाहिए। कितने लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है? हाँ, अभी तो 2000 हाथ उठाए, लेकिन मुझे लोग बोलते हैं ना, दो प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं, एक प्रकार का अच्छा नींद आता है, दूसरा नींद नहीं आती है। दो ही प्रकार का लोग, अच्छे नींद, स्लीप इज एसेंशियल, ये आपकी शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए, भावनाओं को, केमिकल्स को, हॉर्मोन्स को, ये सब संतुलन करने के लिए आपको नींद कम से कम 7-8 घंटे की सुकून की नींद। लव योर बॉडी, अपने शरीर से प्यार करो। एंड लास्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म सहयोग, लर्न टू से नो, लर्न टू से यस, जब जरूरत पड़ती है उस समय यस बोलो, जब जब आपको लगता है कि नो बोलने के लिए, और जब आपको यस बोलने की इच्छा होती है उस समय नो बोलने को भी सीखो। सेल्फ डिसिप्लिन, ये शराब या कोई भी गांजा जो भी हो उसके बाद व्हाई डू पीपल यूज सब्सटेंस, पीपल ड्रिंक, किसी को सोचेगा क्यों पी रहा है, मजा लगता है कि नहीं, मजा लगता है, मजा लगता होता नहीं बोलेंगे अभी, लेकिन बाहर बात करेंगे ना, मजा लगता है, मजा लगता है, करेक्ट, लेकिन मजा और आनंद दोनों फर्क रहते हैं। मजा जब लगता है उसके साथ सजा भी अभी, मजा के साथ सजा, और मजा क्या है, कुछ क्षण के लिए, और वो चीज क्या है, मजा बाहर के चीजों से अनिवार्य है, मजा आपको जीवित रहने के लिए, खाने के लिए मजा लगता है कि नहीं, क्या लगता है आपको खाने का, अच्छा नॉन वेज, चिकन बटर मसाला, लेकिन भाई बताओ कितना समय तक तुम्हारे मुंह में मजा लगेगा? कुछ मिनट के लिए चला गया, पेट को मालूम नहीं, अरे क्या भेजा है पेट, पेट को कुछ स्वाद नहीं आता, दैट इज इट, जी जरूरत है, अगर ये मजा नहीं लगता ना, कोई खाना नहीं खाएगा, मर जाएगा। उसी प्रकार कई चीजें जो मजा होता है वो बाहर से है, वो जीने के लिए अनिवार्य है, और कल ये होता है अगर हमको जैसे कुछ भी चीज करना है ना, सक्सेस है, कोई भी चीज हासिल करना है ना, एक प्रकार का मजा हो जाए, अनिवार्य लेकिन मजा हो जाए, लेकिन आनंद जो होता है वो कोई बाहर की चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने अंदर से होता है, ये फर्क पड़ता है। शराब जो मजा देता है कुछ समय के, इसके बाद अगर तुमको लग लग गई तो तुमको उसकी सजा भोगना पड़ेगा। सो लोग क्यों पीते हैं? मजा, लोग क्यों पीते हैं? गुड कंपनी, यारों के साथ यार हो जाए, यारों के साथ प्यार हो जाए, यारों के साथ सोशल ड्रिंकिंग जो बोलते हैं, नेक्स्ट पीपल ड्रिंक सेलिब्रेटेड, उत्सव मनाने के लिए, यार हार गया गम गम जाने के लिए, जीत गया सेलिब्रेट करते हैं, किसी का बर्थडे है
ड्रिंक ले ले, आज मंडे ने ड्रिंक ले ले, मोर कुकुर के जन्म दिवस ड्रिंक ले ले, मेरा कुत्ता का जन्म दिवस, बिल्ली का जन्म दिवस, कोई मर गया पी लो, कोई जी गया पी लो, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कुछ लोग हैं पीते हैं गम भूल जाने के लिए, ड्राउनिंग योर वरीज, चिंता है, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि क्या करूं, अरे मुझे क्या पता है क्या करा, क्या करें, अरे चलो यार एक ड्रिंक पीते हैं। कुछ कुछ लोग पीते हैं अच्छा अच्छा फील करने के लिए, फीलिंग गुड गुड अच्छा अच्छा करता है। कुछ लोग पीते हैं धर्म भगाने के लिए, मैंने कई बार देखा ऑफिस में जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, डर लगता है तो क्या करेंगे, ड्रिंक मार के जाएगा, उसके बाद सोचते कलेक्टर मैं हूं, सोचते कि कलेक्टर मैं हूं, तो फील गुड अपने बारे में, आपको विषय भी होता है, आपने ऊपर विश्वास करो और अपने बारे में यू फील गुड। लेकिन आपको शराब या कोई गांजा या कोई आपको दूसरा ड्रग्स की जरूरत नहीं होती, ये बात है। जितने लोग शराब पीते हैं सबको बीमारी नहीं आती है, 80% लोगों को बीमारी नहीं आई है, 12-14% लोगों को बीमारी आती थी। अब ये क्यों, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। शराब का कोई कसूर नहीं है, शराब को लात लात मारो, तुम्हारे चलते ऐसे हुआ, ये आपके अंदर कुछ है, तो 80% लोग क्यों ठीक से पी सकते, एक बार भी आया कोई टेंशन नहीं है, उसको चिंता नहीं है, हो गया एक पैक दो पैक चला गया। लेकिन 14% लोगों को जो पीने के लिए लत लगती है, बीमारी का रूप लेते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ अंदर से या रिस्क फैक्टर जो है वो ऐसी चीजें हैं जिसके विवरण मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए इतना टाइम नहीं है। फिर भी बताने के लिए कोई भी चाहे वो शराब गांजा कैनबिस एमडीएमए स्टिमुलेंट उत्तेजित करने के लिए कोकेन मॉर्फिन ये सब आपको सबको लगने लगा है। कुछ कुछ इसलिए जब जब दारू का दुकान बंद करते हैं ये उपाय नहीं है, पहले जांच आंच के देखना कि आपको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं के लिए, हमारे लोगों को गरीब गरीब लोग बहुत बार बोलते हैं शराब बेचना बंद कर दो, कभी जाके देखा बड़े बड़े इसकी बेचने वाले को बोला बोला नहीं हिम्मत हमारा है, वो दारू वाला बोला बोझे दारू का दुकान बंद कर दो, गरीब गरीब को बोलते हैं उनका कोई कसूर नहीं है, एक कमाने का रास्ता ठीक है जो पीता है एक दो पैक वो भी ठीक है, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है उसको जांच करना होता है कि कब प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ बताने के लिए मेरे जिंदगी की कहानी